आगे बढ़ेगी। आने वाले दिनों में जेल में बंद लॉरेंस गैंग के लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। जगह गैलेक्सी अपार्टमेंट बांद्रा मुंबई, बोले तो सलमान खान का घर। वक्त 4:55। मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग तेजी से सलमान खान के घर की ओर बढ़ते हैं और फिर पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली, चौथी गोली, पांचवी गोली, छठी गोली। एक गोली गैलेक्सी अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर लगती है। सलमान खान अक्सर जिस बालकनी में आकर अपने चाहने वालों से मुलाकात करते हैं, एक राउंड बिल्डिंग की उसी दीवार पर लगती है। संडे की सुबह पूरी मुंबई हिल जाती है जब गैलेक्सी अपार्टमेंट पर ताबड़तोड़ 6 गोलियां बरसाई जा रही होती हैं। उस समय सुपरस्टार सलमान खान अपने घर में ही मौजूद होते हैं। बॉलीवुड में सुई पटक सन्नाटा छा जाता है। बालकनी पर फॉरेंसिक टीम को गोली के निशान मिलते हैं। अब तक सलमान के घर पर 2 गोली के निशान मिले हैं, एक बाहरी दीवार पर और दूसरा बालकनी की दीवार पर। इस मामले में मुंबई पुलिस ने गैलेक्सी अपार्टमेंट के 4 वॉचमैन के बयान दर्ज किए हैं जो घटना के समय वहां मौजूद थे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर आज सुबह 5 बजे के करीब 2 अज्ञात लोग जो बाइक पर सवार होकर आए थे, उन्होंने 6 राउंड फायरिंग जो है वो कर दी। आप ये जो सड़क देख रहे हैं, इसी सड़क से वो 2 अज्ञात बाइक सवार जो है वो आए, वो यहाँ पर रुके और उन्होंने 6 राउंड फायरिंग जो है वो सलमान खान के अपार्टमेंट पर जो है वो कर दी है। वहीं अगर हम आपको दूसरी तस्वीरें दिखाएं, ये पहली मंजिल है जहां पर सलमान खान अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। ये वही बालकनी है जहां पर अगर कोई भी फेस्टिवल होता है, ईद होता है, दिवाली होता है, सलमान खान इसी बालकनी पर आते हैं और अपने फैंस को अभिवादन करते हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट का फोन घनघना उठता है। कभी महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का फोन आता है, कभी महाराष्ट्र के गृह मंत्री का, कभी मुंबई पुलिस कमिश्नर का। कौन है जिसने सलमान खान के घर पर गोलियां बरसाई? कौन है जिसने सलमान को डराने के स्क्रिप्ट तैयार की? वो कौन लोग हैं जो टाइगर की जान के दुश्मन है? सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में 2 हमलावरों की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। एक हमलावर के नाम का खुलासा भी हुआ है जिसका नाम विशाल उर्फ कालू बताया जा रहा है। विशाल उर्फ कालू गुरुग्राम का रहने वाला है और बीते महीने भी रोहतक में एक ढाबे पर सचिन नाम के स्क्रैप डीलर की हत्या में विशाल उर्फ कालू का नाम सामने आया था। बता दें कि विशाल रोहित गोदारा के लिए काम करता है और वो तब से फरार चल रहा था। गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुई फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस फुल ऑन एक्शन में आती है। बांद्रा का पूरा इलाका सील कर दिया जाता है। पुलिस चप्पे-चप्पे पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा तत्काल बढ़ा दी जाती है। पूरी मुंबई में बाइक सवार हमलावरों की तलाश शुरू होती है और पुलिस उस बाइक को ढूंढ निकालती है जिस पर सवार हमलावर सलमान खान के घर पर गोलियां दागते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को मौके से एक लाइव बुलेट मिलती है। फॉरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही है। इस बीच उस गैंग का पता चलता है जो सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेता है। सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। ग्रुप के मेंबर अनमोल बिश्नोई ने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें लिखा है कि आने वाले समय में सलमान पर भी हमला हो सकता है। हालांकि पुलिस की तरफ से इस पोस्ट की पुष्टि नहीं की गई है। न्यूज 18 ने सबसे पहले खुलासा किया था कि सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है और लॉरेंस बिश्नोई से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ भी कर सकती हैं। लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और